C5 ऐप डाउनलोड कीजिए, फ्री में देखिए कभी भी कहीं भी। सीता को अगर मेरे खिलाफ बयान देना ही होता ना तो अभी तक दे चुकी होती। कि जो पृथ्वी है ना, इसने उसकी मॉम को इतना डरा दिया कि उसने साफ साफ मना कर दिया प्रीता को ना ही पुलिस स्टेशन जाने देंगी और ना ही किसी लूथरा से मिलने देंगी। ये रहा उसकी गाड़ी का नंबर। एक्चुअली हम जब मार्केट से निकल रहे थे ना तो दी ने मोनिशा को देखा। करण की जो हालत है ना, इस शहर में कोई भी हमारे साथ खड़े होने के लिए तैयार नहीं है सिवाय आपके। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। कहते हैं ना, जब बुरा वक्त आता है तब अपनों का पता चलता है। आपने तो साबित कर दिया। मेरे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी क्यों? रिश्ता क्या हमारा? क्या लगता है तुम्हारा? सब कुछ। देखिए मिस्टर ऋषभ लूथरा, आपको क्या लगा ये चंद पैसे देकर आप मुझे खरीदना चाहते हैं? आप चाहते हैं कि मैं कोर्ट में जाके झूठ बोलूं? मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगी। मेरी एक बात याद रखिएगा मिस्टर लूथरा, मेरी सच्चाई और ईमानदारी बिकाऊ नहीं है। पता नहीं प्रीता किस हाल में होगी। उसका एक और आशिक जेल में बंद हो गया। ये तो होना ही था। प्रीता की आशिकी में जो कोई पड़ेगा ना, उन आशिकों का यही हाल है। ये मोनिशा एक नंबर की शातिर लड़की है दी। उसने पूरा बयान ही पलट दिया दी। और तो और, उसने मीडिया और पुलिस वालों को पहले ही घर पे बुला रखा था। क्या? अगली हियरिंग के लिए मैं किसी और लॉयर को हायर कर लूंगा, लेकिन प्लीज आप किसी भी तरीके से आज संभालिए। बुरा मत मानिएगा मिस्टर लूथरा, हो सकता है कि अगली सुनवाई हो ही ना, ओपन या शट केस कर दिया जाएगा। ठीक सरला, इस वक्त उन्हें हमारी जरूरत है और हमें अदालत जाना चाहिए। माँ प्लीज हाँ कह दीजिए ना, मुझे कोर्ट जाना है। अच्छा सुनो, अब मुझे बोलो, मुबारक हो मोनिशा, हम जीत गए और हमें 70% ना मिलने वाले हैं। यस या? अच्छा चलो मैं तुम्हें बात भी करती हूँ, बाय। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। So answer me, Sheldon. और बिल्कुल ये मत कहना कि तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया, क्योंकि मैंने आंखों से देखा तुम उस घटिया लड़की को गले लगा रही थी। आंटी आपने सही देखा, मैंने मोनिशा को गले लगाया। How dare you? लेकिन एक बात अच्छी है, शेल्डन के साथ तेरी शादी नहीं हुई। I don't love Sheldon. What? तो किससे प्यार करता है तू? प्रीता। तेरे दिल में कोई राज है तो मुझे बताएगा, बता। मैं ऐसे नहीं बता रहा, बताना पड़ेगा। ये, बता मुझे। ये देख, ये तुम्हारी ही गलती। अरे मेरी क्या गलती है? जो भी हुआ वो सब मेरी वजह से हुआ। हाँ, मेरी गलती है। गलती है। तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम प्रीता को करण से दूर रखोगे, लेकिन तुम ऐसा नहीं कर पाए। तुम्हारी लापरवाही की वजह से प्रीता मोनिशा करण के रूम में चली गई। अभी के अभी आप मेरा और मेरी बेटी प्रीता का नंबर अपने फोन से हमेशा के लिए हटा दीजिए। अब ये रिश्ता नहीं होगा। अभी तो सही टाइम आया है सारा हिसाब चुकाने का। क्या हुआ शोलिन? यार मैं तुम्हारा देवर हूं, मुझे तुम्हारी फिक्र है। डॉक्टर के पास ले जाना, मेरा फर्ज है। चलो लेट्स गो। अरे देवर से याद आया, इनके होने वाले पति को भी तो कोई बता दे। अरे उनका भी तो फर्ज बनता है ना जानना। ओह गॉड, इन सब ने तो मुझे घेर लिया है, अब मैं कैसे बचूंगी? कृतिका तुम ऐसा करो, भाग के जाके ऋषभ जी को भी ले आओ, वो भी हमारे साथ चलेंगे। हाँ ठीक है, अभी नहीं कृतिका। नहीं, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, ऋषभ जी को बुलाने की क्या जरूरत है? आई एम फाइन। अरे शरण तुम इतनी आसानी से ठीक कैसे हो सकती हो? मुझे पता है तुम्हारी तबीयत खराब है। अरे भाई प्रीता, आई स्वेयर मैंने खुद देखा ऐसे, बेचारी बाथरूम में उल्टियां कर करके पागल हो गई थी। और तुमने ही तो कहा था ना मुझसे एसिडिटी है, तो एक काम करते हैं, चलते हैं डॉक्टर के पास, है ना? मैं बुला के रहा हूँ। हाँ हाँ, दो मिनट में। चलो चलो जल्दी चलो।
देखो बेबी, अगर तुम्हें मुझे राखी वाखी बांधनी है तो भूल जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारा भैया नहीं सैया हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अरे मुझे पता है कि तुम कौन हो और तुम मुझे कितना प्यार करते हो, समझे तुम? चलो अच्छा है, शुक्र है कि तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ। से बेबी अचानक से तुम्हें क्या हो गया था? अरे मेरी तबीयत खराब हो गई है, वॉमिटिंग एंड ऑल। उसी वक्त कृतिका मुझे चेक करने आ गई, लेकिन तुम्हें पता है अचानक से वो वहां से भाग गई। तभी मेरे दिमाग में खतरे की घंटी बजी कि वो यहां से ऐसे क्यों चली गई। और मुझे शक हुआ कि वो करण और प्रीता को बताने गई होगी कि मुझे उल्टियां हो रही है, मेरी चुगली करने गई होगी। मेरा शक एकदम सही था। एक्चुअली हमें एग्जैक्टली पता है कि तुम्हारी तबीयत क्यों खराब हो जाती है और क्यों तुम उल्टियों पे उल्टियां करती रहती हो। एक काम करते हैं भाई, हम ना इसे डॉक्टर के पास लेके चलते हैं। लेकिन मैंने अरे रुको रुको रुको, 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 रुको इस ग्लास से मत पियो। क्यों, क्या है इसमें? क्योंकि ये ग्लास मेरा झूठा है। थैंक गॉड। थैंक गॉड, ये कैसा रिएक्शन हुआ? मैंने तुम्हें कहा कि ये ग्लास मेरा झूठा है, मैंने अभी इसी में पानी पिया है। हाँ तो क्या हो गया? यार मुझे पता, तुम पहले कड़वी करेली थी, कड़वी कड़वी बातें निकालती थी मुझे, तुम्हारे मुंह से वो सीनियर की तरह गोलियां निकलती थी। ठीक है, देखो ना, मेरी दोस्ती की दवा ने सब कुछ ठीक कर दिया, मुझ पर तुम्हारा कोई असर नहीं हुआ। मैंने तुम्हारा झूठा पानी पिया तब भी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, जिंदा खड़ा हूँ, चेक करके देखो, पिंच पिंच करो। अच्छा बताओ ना, झूठा क्यों नहीं पी सकते? वो मुझे नहीं पता, मैंने कभी किसी का झूठा नहीं पिया। कभी नहीं? Can I get some more water? घर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। माँ दी आ गई। चल सरला, अब चलते हैं, बहुत देर हो गई। आज तुम्हें बार बार गले से लगाने का मन कर रहा है, जिद्दी रहे पुत्र। कल कितने बजे? जी राखी जी का मतलब यह है कि कल कब आएगी तुम? प्रीता जी, आई रियली लव यू। एक मुद्दत से आपको ये बात कहना चाहता था, मैं आपसे बेइंतहा प्यार करता हूँ, पर हर बार होठों तक आते आते बात रुक जाती थी। ऋषभ जी और करण के नाम पर झूठा कलंक लगाया ना तुमने, और तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारा साथ दूं। तुमने जो किया है ना, उसकी सजा दिलवा कर। इंस्पेक्टर साहब मेरी बात सुनिए, मीरा बिल्कुल ठीक कह रही थी, वो सनी जिंदा है इंस्पेक्टर साहब, आप किसी भी तरह ढूंढिए उसको प्लीज, मेरी बात सुनिए, सनी जिंदा है। मिस्टर सिंह बहुत अच्छे इंसान हैं, मेरी हर खुशी का ख्याल रखते हैं, वो केयर करते हैं मेरी, और मैं भी बहुत इज्जत करती हूँ उनकी, उनकी केयर करती हूँ। प्यार करती हैं? आपकी बहू और बेटे ने पहली बार कोई फैसला एक साथ लिया है फिर से शादी करने का। हमारे बेटे की शादी में हमारे अरमान भी पूरे हो रहे। कबीर और सारा की शादी बिना हंगामे के तो नहीं होगी। इस बार हम ऐसा हंगामा करेंगे कि इन दोनों की शादी पूरा लखनऊ याद रखेगा। वेदिका पर लगा रहा है पूरा अग्रवाल खानदान लांछन। ये औरत इतनी चालाक निकली कि दौलत के लालच में हमारी गौरी की बच्ची को लेकर ये चली गई। लेकिन अब है साहिल की बारी एक बड़ा कदम लेने की। अगर जरूरत पड़ी तो अग्रवाल नाम छोड़ने को भी तैयार हूँ मैं, पर अपने बच्चे को किसी को नहीं दूंगी। क्या साहिल मिला देगा वेद को उसकी असली माँ से, या एक बेटे को खुद ही एहसास होने लगेगा इस सच का? वेदिका आंटी, जानिए आपके आ जाने से की